नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मेरी चौबे। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार गुंडों, मवालियों पर, माफियाओं पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। अब इसी कड़ी में अतीक अहमद के सबसे करीबी बताए जाने वाले असद उर्फ असाद पर भी शिकंजा कसा चुका है। आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उन्होंने अतीक अहमद के बेहद करीबी असद को गिरफ्तार कर लिया है। असद को गिरफ्तार करने की जो कोशिश है उत्तर प्रदेश की पुलिस बीते 3 सालों से कर रही थी। असद उर्फ असाद को अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। अतीक अहमद के जितने काले धंधे थे, जितने भी उसने अपने जीवन में क्राइम किए हैं, जितने भी हत्याएं की हैं, इन सभी कारनामों में, इन सभी हत्याकांड में, सभी उसके जितने भी काले धंधे हैं, सभी में असाद उसके साथ रहता था। असाद को हर एक चीज़ की जानकारी रहती थी। अब ऐसे में असाद को 3 साल से जो उत्तर प्रदेश की पुलिस वो तलाश कर रही थी, वह आखिरकार असाद को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करेली थाना क्षेत्र की पुलिस ने असाद को गिरफ्तार कर लिया है। असाद को प्रयागराज के धूमगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया है। असाद अतीक अहमद का इतना करीब था कि पुलिस ने इसके ऊपर इसको तलाश करने के लिए 50,000 रुपये की इनामी राशि भी घोषित कर दी थी। कोई भी व्यक्ति असाद के बारे में कोई जानकारी देता है तो उसे 50,000 रुपये इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। अब इसमें जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उनको बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने गुंडों को ख़त्म करने की जो शपथ खाई है, अपने प्रदेश को गुंडा मुक्त प्रदेश और माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की जो शपथ खाई है, इसमें एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। असाद को भी प्रदेश की पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। इसी और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म।